आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस साइड मेघा एंड वी आर गोना स्टार्ट द लाइव सेशन इन जस्ट नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सो प्लीज टेक योर सीट्स एंड पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट मोड। सो अच्छा, बेरीना के बारे में किसने सुना है? किसी ने बेरीना के बारे में? ओके और किसने? बेरीना के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं? किसने प्रोडक्ट्स यूज करे हैं बेरीना के? ओके वेरी गुड। सो लेट मी टेल यू अबाउट द बेरीना। बेरीना इज अ लीडिंग ब्रांड इन थाईलैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रोफेशनल हेयर केयर एंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। It was established in 1955 and after which has been one of the most promising brands in Asia. So we have three segments here. Berina styling tool. This consists of hair straightener, dryers, curlers and crimpers. Berina professional of colors and care. BC hair professional consists of hair care and treatment. Achha, live station kise dekhna hai? सबको नहीं देखना। आज हमारे पास हमारे बहुत सारे स्टाइलिस्ट हैं जो आपको नई टेक्निक्स दिखाएंगे, नए नए डेमोज देंगे, जिससे आपको भी बहुत सारा अंदाजा लगेगा। सो बेरीना प्रोफेशनली फर्स्ट ब्रांड इन एशियन मार्केट एज वेल एज फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांड इन हेयर स्टाइलिंग टूल, सेलिब्रेटिंग इट्स 30 ईयर्स ऑफ सक्सेस। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। So we have newly launched hair session collection. So let's have a look. Brighter and Party Transformation with 9 years of experience in the industry. He has done work with Manish Malhotra, Sabyasachi and whatnot. Next we have is Mr. Naushad Ahmed. Naushad Ahmed is a master of his craft and has an experience of over 15 years of in this industry. Naushad is a no-skilled educator who has trained 10,000 and students and believes in empowering everyone who is interested in learning. Next, here stylist we have is
Sagar, hair stylist trainer from Delhi. He has done makeup and hair styling for Neha Kakkar, Sana Khan, with an experience of 7 years in the industry. So let's have them on the stage. एक बार हमारे आर्टिस्ट के लिए जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सबके लिए लॉन्ग लेंथ मोहॉक स्ट्रेट हेयर लाए हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, कैन एनीवन टेल मी, बरीना, सबने सुना नाम बरीना, बरीना ऑन ही है ना, कोई बता सकता है बरीना कहाँ का ब्रांड है? थाईलैंड। कब से है? होमवर्क करके आए सब, वेरी नाइस। चलिए तो हम ऐसे ही एक्साइटेड रहिए, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे एंड गिफ्ट्स सबके लिए आए हैं। सागर का सर, आज ही स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दिल्ली। माय नेम इज नौशाद अहमद, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, बट माय करियर स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। सो दिल्ली से एक स्पेशल कनेक्शन है मेरा एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग बरीना प्रोफेशनल टुडे। I'm going to showcase cut and style. Amit hai. He is going to showcase long abdus. Mohawk. Okay. Sagar, please come. Model kya hai? Model hai. Start kare? Yeah. And Barina just launched hair coat sunscreen, baalon ka sunscreen. I'm gonna show you. अभी मैंने थोड़ा सा अप्लाई करा था, so that I can show you in front of you guys. तो आप देख सकते हैं इसमें शाइन। This is basically जो जैसे स्किन का सन केयर होता है वैसे हमारे बालों का भी सन केयर हमारे बरीना ने निकाला है। I'll show you how to apply it. ड्राई लगा के सर खोल के देंगे सर। हेलो, इसमें सील है, सील शुरू करें। Yes, yes. Okay, so हम लोगों ने हमारा जो मॉडल है उसके ऊपर कलर किया है X1, which is Barina Professional kind of magenta red. आप देख सकते हैं जो हमारे बालों में कलर नजर आ रहा है, that is a Barina Professional color. इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने पहले प्रोवाइड किया है विद द 20 वॉल्यूम डेवलपर। बरीना प्रोफेशनल कलर में क्या डिफरेंस है विद अदर कलर्स? बरीना प्रोफेशनल इज बेसिकली थाईलैंड ब्रांड especially making color like for Indian Asian kind of hair. So खुद R&D होता है किस तरीके के बालों पे किस तरीके का कलर काम करेगा, स्पेशलाइजिंग उस तरीके के लिए कलर बनाते हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, स्टार्टेड फ्रॉम 1955 एंड सिंस नाउ वी आर डूइंग बेस्ट ऑल अक्रॉस एशिया। इंडिया में है, नेपाल में है, अफकोर्स बैंकॉक में तो इज वन ऑफ द बेस्ट कलर। इंडिया में हम लोग 30 सालों से इस कलर को यूज कर रहे हैं। इस और इसके साथ साथ कितने शेड हमारे पास है, 38 शेड्स है इस ब्रांड्स के अंदर, जिसके अंदर आपका नेचुरल शेड है, जिसके अंदर मौका ब्राउन है, जिसके अंदर वाइब्रेंट रेड्स हैं और ब्राउनिश कलर्स हैं। और इसकी खासियत क्या है, इसके जो डेवलपर है वो जेल बेस है, नॉट क्रीम बेस। सो देयर इज अ क्रीम विच इज कलर क्रीम बेस एंड देयर इज एक्टिवेटर विच इज जेल बेस।
तो उसका जो मिक्सिंग होता है वो बहुत नीट एंड बहुत ही अच्छा पेस्ट बनता है, जिससे एप्लीकेशन में आसानी होती है। सो आप देखेंगे कि जो मैं कलर किया हूँ उसके अलावा अभी उसी प्लान के हिसाब से हम लोग कट को डिजाइन करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कलर कर रहे हो तो कट को माइंड में रख के करो, बिकॉज अगर आपका कट माइंड में है तो आपका कलर कभी भी आउट नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा या आउट ऑफ शेप नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से हमने डिजाइन किया है। तो आई स्टार्ट विथ फ्रंटल लुक। अक्सर ये होता है कि जब कोई लंबे बाल रखता है तो सबका एक ही इशू है, लंबे बाल चाहिए, छोटे नहीं करने। सो आई जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली कि आपके सेक्शन उस तरीके से प्लान होने चाहिए कि आपकी लेंथ शॉर्ट ना हो। बट यू सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन लेयरिंग पैटर्न। सो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं फ्रंट हेयर से, टेक सेंटर पार्टिंग। अगेन अगर आप जब कट कर रहे हो, इट हैज टू बी वेरी थिन सेक्शन, इट हैज टू बी कंट्रोल सेक्शन। आजकल जिस तरीके का फैशन चल रहा है, कट एंड बैंग, सॉफ्ट बैंग्स, तो उस तरीके के उस लुक को हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे मुश्किल काम है डिसाइड करना कि कितने छोटे रखेंगे, कितने लंबे रहने चाहिए। सो आई डिसाइड द लेंथ, मे बी नोज लेवल, मे बी लिप्स लेवल, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर। अगर बाल ज्यादा कर्ली है तो श्रिंक होते हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपको कर्ली बालों में इस तरीके का लुक करना है या वेवी बालों में करना है तो हमेशा जो लेंथ आपको चाहिए उसे 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखिए, ताकि बाल जब श्रिंक होते हैं तो दे विल स्टे इन अ शेप। जितना लेंथ आपको चाहिए, ट्विस्ट किया, जस्ट यूज स्लाइस टेक्निक्स ताकि सॉफ्टर लुक रहे। अब इसी को मैं फॉलो कराता हूं स्मॉल सेक्शन के साथ, वन साइड एंड जस्ट कट इट इन अ zigzag वे, डोंट कट इट इन अ blunt शेप। अगेन होगा क्या कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन आएगा बैंग्स में, इट डजंट लुक गुड इन अ स्ट्रॉन्ग लाइन। सो जिस तरीके से अमित बता रहे थे कि हमने हमारा न्यू लॉन्च जो सीरम है दैट इज लाइक अ सन ब्लॉक, जैसे हम सन ब्लॉक यूज करते हैं ना हीट प्रोटेक्टर के लिए, सो ऐसे ही एक सीरम जो लॉन्च हुआ है जिसको हम लोग कह रहे हैं सन ब्लॉक हेयर कोट। तो आफ्टर केमिकल व्हाट यू डू, व्हाट यू सजेस्ट शैम्पू, कंडीशनर, सीरम और लाइक अ स्प्रे, बट देयर इज नथिंग लाइक अ पैक, नथिंग लाइक जो कोट करे बालों को, जो कलर को अच्छा प्रोटेक्ट करे, केमिकल ट्रीटेड बालों को अच्छा प्रोटेक्ट करे। सो दैट इज लाइक अ सन ब्लॉक क्रीम। आप हीट में जाओ, आप कितना सन में रहो, आपका बाल कलर प्रोटेक्टेड है, डैमेज बाल अगर ड्राई लग रहे वो प्रोटेक्टेड है। तो इट्स वन ऑफ द यूनिक सीरम जिसको बोल रहे हैं हेयर कोट, जो अभी अमित ने यूज किया है। एंड आई शो यू कि इसका क्या फायदा है लास्ट में। एक तरह से शाइन बहुत अच्छी आती है, प्लस हेयर के क्यूटिकल्स डैमेज नहीं होते हैं, जो यूवी रेस से जो डैमेज होते हैं आपके गीले बालों में। यू कैन अप्लाई इट ऑन वेट हेयर, राइट? सो टेकिंग अ स्मॉल सेक्शन फॉलोइंग kind of a shape. Done. Up, up, up. Straight, look straight. Zigzag pattern. जैसे मैंने बोला कि जितना line strong होगा, उतना थोड़ा face पे sharp दिखता है, तो make it softer look. अब इसका फायदा क्या होता है कि जब आप front से shape देते हो, quick change नजर आता है। अक्सर client बोलता है ना कि लंबे वाले change नजर नहीं आता। So, लंबे बालों को चेंज अगर करना है, कुछ लुक दिखाना है, सो फ्रेम फ्रॉम द फ्रंट इंस्टेंट चेंज नजर आता है आपके कट के अंदर, आपके लुक के अंदर। सागर आप क्या कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको ओपन हेयर स्टाइलिंग सिखाने वाला हूं और बहुत ही प्यारे लुक के साथ, और सर हमारे बहुत ही बेहतरीन कटिंग सिखाने वाले हैं, वेरी नॉल से मिस्टर भरद्वाज सर बहुत अच्छी स्टाइलिंग सिखाने वाले हैं। तो आज आपको 3 आर्टिस्ट के काम मिलेगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ड्राई सो गाइस, या एज यू कैन सी
ऑलमोस्ट 90% हमारा मॉक रेडी हो चुका है। इधर लियो सर। जब तक मैं बेस अपना रेडी कर रहा हूँ ओपन हेयर स्टाइलिंग के लिए, टोंग जो यूज कर रहा हूँ 25 नंबर है वॉल्यूम के लिए। एंड सागर जी, जो टोंग यूज करने में बताना चाहूंगा, ये हमारी नई टोंग लॉन्च हुई है अभी अभी, एंड इसका नाम है लस्टर प्रो, एंड इसकी हीट काफी अच्छी है, एंड इसके कर्ल्स मिनिमम आपके 12-14 आवर्स तक स्टे है हमारे लस्टर प्रो टोंग का जो सागर जी यूज कर रहे हैं अभी। कलर्स में वेलक्रो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहला ही सेक्शन किया और उसको मैं ड्रायर कर रहा हूं। व्हाई आई एम डूइंग ड्रायर, बिकॉज आई नीड टू पुट इट वेलक्रो रोलर्स फॉर इट। अगर आपको बैंक्स को अच्छा दिखाना है यूज वेलक्रो, इजी हो जाता है, आप पूरा कट प्लान कर लो। इसलिए मैंने बोला था कि आप जैसे ही आप प्लान करते हो तो यू नो द एग्जीक्यूशन सेक्शन भी छोटा वाला, सो वो आपका एग्जीक्यूशन का पार्ट हो जाता है कि आप किस तरीके से अपने लुक को डिजाइन कर रहे हो। इनविजिबल। अब मेरा फ्रंटल मैंने फिनिश किया एंड आई एम रेडी, अब मैं पूरा कट डिजाइन कर सकता हूं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कट का कोई भी आप कलर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप कट के हिसाब से कलर को प्लान करोगे और लुक के हिसाब से करोगे। अब आता है लेंथ के ऊपर बात। सो देयर आर 4 सेक्शन इन माय हेयर कट, क्राउन, semi-crown, side and back. This section especially decide the length. This section especially decide layering movement. This section especially decide volume. This section especially decide front look. So it's easy to decide how you want to plan. Invisible. So main isko lock karne ke liye yahan pe invisible dal dunga so that hamara mock kharab na ho. Everyone knows invisible. So सबसे पहले मैं कर रहा हूं लेंथ का डिसाइड, अ स्लाइटली ट्रिम। सो एक लेंथ का पर्पज जरूर सॉल्व होना चाहिए, बिकॉज हर क्लाइंट के माइंड में होता है लंबे बाल चाहिए, कितने लंबे चाहिए वो इस सेक्शन से डिसाइड हो जाता है। उसके बाद आप शुरू करते हैं बालों के अंदर लेयरिंग पैटर्न। अब लेयरिंग पैटर्न में देयर मेनी वेज इन कटिंग हेयर, बट इजी क्या है, किस तरीके से आप इस टेक्सचर को, इस लेंथ को डिसाइड कर रहे हो, किस तरीके से आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल सिस्टम। जब आप लेयरिंग करते हो अगर आपको एंगल सिस्टम नहीं आता है आप हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करोगे। सो मेक श्योर कि आपको एंगल सिस्टम पता होना चाहिए अगर आप हेयर कट डिजाइन कर रहे हो। सो पहला सेक्शन, बिकॉज लेंथ है, थिकनेस यहां से ही डिसाइड होता है, so I will not going to cut so much from the first section, slightly slide kiya and just cut it into zigzag pattern just to get light, slightly movement at the bottom, at the bottom. Aur main insist karta hu jab aap cut kar rahe ho make sure follow very very fine section, same angle pattern almost like a 45 degree. Perfect. Yeah, can I have my second model? Almost like a 45 degree. Comb it nicely. Kuch kapda de caution. A thin section, neatly clean. Thoda sa aage aa jao, dikh rahe hain. इससे क्या होगा, जस्ट हल्का सा हमारे एंड्स पे मूवमेंट आने लगा, जो बिल्कुल सॉलिड ब्लंट लग रहा था वो नहीं दिखेगा। सो लाइन को हम लोग सॉफ्ट कर रहे हैं, कीपिंग अ लेयर एट द बॉटम, फॉलोइंग ए 45 डिग्री एंगल, कीपिंग योर फिंगर एब्सोल्युटली वर्टिकल, सेक्शन वर्टिकल। ओके, सो मैंने अपने हेयर ऑलरेडी बैक साइड में प्रेप करके रखे थे विद द हेल्प ऑफ 28 साइज टोंग जो कि सागर जी यूज कर रहे हैं लस्टर प्रो, एंड यू कैन सी द रिजल्ट, हमारे कर्ल्स कितने अच्छे और टाइट आए हैं फॉर द वॉल्यूम एंड बिग कर्ल्स मैंने प्रेप कर रखे हैं।
जो अमित मॉडल कर रहे हैं उनके लिए हमने जो नया लॉन्च सीरम है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा रिपेयर सीरम वो लॉन्च किया है. शो मी द सीरम. यू कैन सी द बॉटल इज गारंटीड व्हेनेवर यू सी द डैमेज हेयर अप्लाई इट वॉश इट नेक्स्ट डे एंड यू कैन सी द डिफरेंस. इज नॉट जस्ट अ सीरम इट्स लाइक अ रिपेयर ट्रीटमेंट. इज वन ऑफ द यूनिक सीरम which repair the damaged hair. Keep it whole day, apply on the damaged part and leave it for whole day. It's like a protector as well, but at the same time, you will see after the wash, usually serum mein kya hota hai ki wash kiya, it looked normal, but you will see that repairness on the hair, specially designed for damaged hair. Itna chemical hota hai aajkal salon mein, kya karenge? Damage zarur hota hai, galtiyan hoti hain, kya kar sakte hain? Give this serum, specially for the damage hair. So there are many variety in Varina Professional itself because R&D itna hota hai. R&D itna hota hai ki kya kya kar sakte hain baalon ke liye. So there are coat serum, there are repair serum, there are heat protector spray, there are many mousse, even the color spray is there. Quickly color kar sakte hain hum log. Kisi client ko chahiye ki wo color ke liye feel karna chahta hai ki color kaisa lagega mere baalon mein. So aap color spray karke ek scent dikha sakte hain. So next section, yeah, बोल रहे हैं अभी कुछ? Yeah, yes. I'm going to absolutely lift it almost like a 180 degree, ताकि मेरा movement बालों में अच्छा नजर आए, layering अच्छा नजर आए. So जैसे अभी नौशाद भाई ने बताया हमारे कि हम जब भी कुछ भी हम prep करते हैं, कुछ भी cut करते हैं, color करते हैं, हम styling करते हैं, we always prep the hair. हम पहले prep करते हैं, हम बालों के texture को देखते हैं कैसा है कैसा नहीं. किसी के बालों में सीरम लगना हम सीरम लगाते हैं, मूज लगना मूज लगाते हैं. बिफोर आई डू एनी हेयर स्टाइलिंग नौशाद भाई सागर जी जो भी हम स्टाइलिंग करते हैं वी ऑलवेज प्रेप द हेयर विद द बेस्ट प्रोडक्ट्स. एंड प्रोडक्ट्स यूज करने का आपको यूज करने के लिए आपको टेक्सचर का मालूम होना बहुत जरूरी है. किसी के फ्रीजी हेयर है तो यू नीड टू नो यू हैव टू यूज मूज. अगर मूज यूज कर रहे हो तो उससे फ्रीजीनेस जाएगी, आपकी बालों में वॉल्यूम आएगा. एंड अगर हम सीरम यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम बालों में शाइन चाहिए, हमें ब्लो ड्राई लुक चाहिए. अगर आप कर्ल्स कर रहे हैं, स्टाइलिंग अच्छी चाहते हैं आप, तो ट्राई करिए कि उसमें कम से कम कंडीशनिंग यूज हो. अगर कंडीशनिंग ज्यादा यूज होगी तो कर्ल्स आपके ज्यादा स्टे नहीं करेंगे. सो इस चीज की नॉलेज बहुत जरूरी है, जो कि नौशाद जी भी जब भी स्टाइलिंग करते हैं, अपने हेयर कर रहे होते हैं, हमेशा प्रेप करते हैं पहले. नौशाद भाई आप अपना प्रेप बताएंगे, आपने क्या प्रेप का एंगल लिया, डायरेक्शंस ली. See, जैसे मैंने आपको बताया कि चार सेक्शन मैंने बनाए थे. पहला सेक्शन लेंथ डिसाइड करने के लिए था, दूसरा सेक्शन जो था लेयरिंग पैटर्न के लिए. आप देखेंगे मेरे दूसरे सेक्शन में जो मेरा एंगल है टोटली हाई, बिकॉज बालों का वेट रिड्यूस तभी हो पाएगा विद द लेंथ. बट इफ यू वॉन्ट टू शो केस अ गुड मूवमेंट यू हैव टू यूज अ हाई एंगल, तभी आपके बालों में मूवमेंट नजर आने वाला है. बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द हेयर. आई एम नॉट सेइंग कि ये टेक्निक्स हर बालों के लिए काम आएगा. लंबे बाल नॉर्मल टेक्चर वर्क वेल, लंबे बाल सीधा टेक्चर वर्क वेल. नॉट फॉर द वेरी कर्ली हेयर, अगेन बुशी हो जाएगा. सो मेक श्योर यू डिसाइड वेल. बट सेक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि सेक्शनिंग अगर आपकी अच्छी है ना, आपका कट आसान हो जाता है, स्पेशली विद द बेसिक नॉलेज ऑफ एंगल. एंड ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर स्टाइलिंग, टूल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं जब कट करता हूं तो इट्स नॉट फिक्स कि मैं ड्रायर यूज करूंगा, मैं टोंग भी यूज करता हूं, मैं आयन भी यूज करता हूं. तो इट्स इजी जब व्हेन यू हैव अ टूल, व्हाई डोंट यू यूज इट प्रॉपर्ली, व्हाई जस्ट कीप इट फॉर दैट कि क्लाइंट स्टाइलिंग कर रहे हैं तभी यूज करेंगे. बिकॉज इट्स बिकम इजी, आजकल इतना आसान हो गया. आप 28 साइज का टोंग लीजिए, लंबे बाल है, स्पाइरल करने में इतना टाइम लगता है, मेक इट बिग सेक्शन एंड ओपन इट, इट बिकम सो क्विक. आई एम गोइंग टू शो दैट ऑल्सो. यस अमित भाई. ओके या लुकअप. सो मैंने वॉल्यूम के लिए रोलर लगाया था एंड आई नीड कर्ल इन माय फ्रंट सेक्शन. रोलर से मुझे वॉल्यूम मिल गया है, सो अब मैं कर्ल करके उसको क्लिप कर रहा हूं. वी हैव गॉट सम गिफ्ट्स गाइस. ठीक है ओके. गिफ्ट आ गए हैं तो देना शुरू करते हैं. छोटा सा क्वेश्चन, लॉन्ग लेंथ विच टोंग, शॉर्ट लेंथ
विथ स्टॉन्ग, कोई साइज बता सकता है? हाँ जी सर, एक गिफ्ट है मेरे हाथ, एक जने से पूछ सकता हूं मैं। लॉन्ग लेंथ विथ स्टॉन्ग 25 एंड शॉर्ट लेंथ एनीवन? हाँ जी, फॉर 28 फॉर लॉन्ग लेंथ एंड फॉर शॉर्ट 29। अभी निकालेंगे हम 29। ओके एनीवन, किसी को साइज नहीं पता यहाँ पे टोंग के? एनीवन नोस यहाँ पे साइज पता किसी को टोंग में साइज क्या क्या आते हैं? हाँ जी मैम, शॉर्ट लेंथ में आप 16 करेंगे, लॉन्ग हेयर में 25 28। ओके बता दो, गलती बता दो, क्या पता सही हो जाए, ये तो सही कोशिश कर रहे, नहीं हो रहा। हाँ जी मैम, टोंग लेंथ विच टोंग, शॉर्ट हेयर विच टोंग, सो दैट हमारे कर्ल्स ना खुले। टोंग साइज मैम 25 से, शॉर्ट या लॉन्ग हेयर? लॉन्ग हेयर 25 से, और शॉर्ट हेयर? ओके हाँ जी सर, सॉरी ये लीजिए, लॉन्ग हेयर 25 to 28 और शॉर्ट हेयर 30 to 32। हाँ जी बता रहे थे आप, ये लीजिए, शॉर्ट शॉर्ट हेयर विच टोंग, लॉन्ग हेयर विच टोंग 22 and 25 to 28। किसके लिए यूज करेंगे? शॉर्ट हेयर के लिए एंड लॉन्ग के लिए 28। एग्जैक्टली सर, सो बेसिकली दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच। हम शॉर्ट हेयर के लिए हमेशा 25 या 28 यूज करेंगे ताकि हमारी लेंथ मेंटेन रहे। अगर शॉर्ट हेयर पे हम 19-16 यूज करेंगे तो वो और शॉर्ट हो जाएंगे, और लॉन्ग हेयर पे हम यूज करेंगे 22 ताकि वो लेंथ थोड़ी शॉर्ट हो जाए और कर्ल्स टिके रहे। अगर लॉन्ग हेयर पे आप 22-25 यूज करेंगे कर्ल्स टिकेंगे? अगर इतने लंबे बाल हैं आप इस पे 28 यूज करो कर्ल, टिकेंगे? नहीं टिकेंगे, तभी कंप्लेंट आती है हमारे कर्ल्स खुल गए। हमारी टोंग यूज करो, कर्ल नहीं खुलेंगे। ओके सो आई हैव डन बाय 28। सी शॉर्ट हेयर है, मैंने 28 साइज यूज करा इस पे। अगर ये इनकी इतनी लेंथ होती तो मैं इस पे 22 यूज करता। अगर मैं इस लेंथ पे अगर 28 यूज करूंगा मेरे आधे घंटे में कल्स खुल जाएंगे। इसी लेंथ पे मैंने 28 यूज करा है सो दैट मेरी लेंथ मेंटेन रहे एंड वॉल्यूम आ जाए बालों में। नौशाद जी आप कुछ, हमारे पास मेरा लास्ट सेक्शन है, हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। हाँ आप दे अभी पूछेंगे, अभी पूछेंगे जो हमने बोला है। वी गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ यू, वी हैव अनाउंस सम टू प्रोडक्ट्स, कोई बताएगा वो जो दो प्रोडक्ट्स मैंने अनाउंस किए हैं जो लॉन्च हुआ है क्या थे? ओ लवली, कोई बताएगा प्लीज? रिजवान आप आना और सुनना कौन सही बोल रहे हैं। दो सीरम के नाम बता दीजिए प्लीज, और दोनों का क्या क्वालिटी था आपके पास मैम? वो सीरम था वो जो बालों को ड्राइनेस नहीं करता। सीरम तो था बट क्या था? विच सीरम? वो सनस्क्रीन। एज आई सेड इट्स नॉट अ नॉर्मल सीरम। नहीं नॉर्मल सीरम नहीं था बट वो मैम आएंगे आपके पास भी आएंगे। सन सीरम था और जैसे नॉर्मल सीरम बालों को ड्राई करके टॉन्ग करना, वॉश करने के बाद पहले जैसा कर देता है। ये सीरम जो है पहले कैसे थे? पीछे ड्राई कर ऐसे करके ड्राई कर पूरा प्लास ड्राई। तो ये अभी वॉश करने के बाद नॉर्मल। सर आप नाम बता दीजिए, बहुत है दो सीरम के। माय जो हमने अभी बताया, दो सीरम के नाम मैंने बताए थे, वो दोनों सीरम का क्या स्पेशलाइजिंग था बताओ, आप बताइए। और एक नहीं गलत है, सही बताओ, सही बताओ। प्रसाद भाई ये रहे मैम। हां माइक ऑन है। सनस्क्रीन है। हां और वाला है
रिपेयर फॉर ड्राई डैमेज हेयर शैम्पू आफ्टर द कंडीशनिंग इट वर्क लाइक अ रिपेयरिंग वे लाइक अ रिपेयरिंग ट्रीटमेंट वेन यू वॉश नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे यू विल रियलाइज द हेयर गॉट रिपेयर्ड मच बेटर तो इट्स लाइक अ प्रोसेस कंटिन्यू Every wash you have to use it and apply this. उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट और वन मोर प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू से सिल्वर शैम्पू. सिल्वर शैम्पू क्या करते हैं आप बता सकते हैं कोई क्या करता है सिल्वर शैम्पू आजकल बहुत इन है फैशन में है बिकॉज ऑफ द कलर क्या करता है ब्लू शैम्पू रेड ब्रश क्या करता है येलो टोन को खत्म करता है बिकॉज आजकल जो हमारे कलर चल रहे इतने ट्रेंडी कलर चल रहे हैं क्या करते हैं लोग आपने मेहनत करी है इसके लिए सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नाउ कॉमन प्रोडक्ट्स जो सलोन में हमें जरूरत पड़ती है स्पेशली फॉर द कलर इट्स वेरी यू कैन से शैम्पू पीस है बट बहुत फास्ट कट करता है येलो को बहुत जल्दी यूटिलाइज करता है येलो को ताकि आप एश जैसे टोन को अचीव कर सको हमेशा आप रिलाइटनर करते हैं तो बरीना बेसिकली इज नॉट जस्ट अ कलर ब्रांड इज फुल पोर्टफोलियो अब पोर्टफोलियो में आपको सलोन में क्या क्या जरूरत पड़ता है आपको कलर की जरूरत पड़ती है आपको हेयर केयर की जरूरत पड़ती है आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है तो वी हैव टूल्स वी हैव ड्रायर वी हैव मशीनरीज वी हैव टोंग आयरन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस विद फ्रेंडली बजट Not too expensive. Haan. At the same time, professionally designed according to the Indian thick hair. ऐसा नहीं है कि आपने दो महीने चलाया और खुश हो गया. Thick बालों के लिए उसी को मैंने जैसे बताया कि Barina is basically manufacturing also own manufacturing है तो R&D बहुत अच्छा करते हैं ताकि हमारे Indian thick बालों पे वो अच्छा काम कर सके. Okay? अमित भाई बोलेंगे? Yes sir. सागर यस अब मैं बोलूंगा यस सो ही इज गोइंग टू शो सम यूनिक आपको जो मैंने बेसिक काम किया था हेयर स्टाइलिंग के अंदर तो सबसे पहले अपनी रोज गोल्ड क्रिम्पिंग इसको माइक्रो क्रिम्पिंग भी बोलते हैं जीरो क्रिम्पिंग भी बोलते हैं इससे बेनिफिट अपने स्टाइलिंग के अंदर ये होता है कि जब आप स्टाइलिंग जीरो नंबर क्रिम्पिंग से करते हो तो स्टाइलिंग फाइन और स्मूथ और एकदम फिनिशिंग वाला लुक क्रिएट होता है जब आप एक नंबर दो नंबर क्रिम्पिंग करते हो तो आप देखते हो एक आंटी वाला लुक क्रिएट होता है एकदम हैवी हैवीनेस आता है और एकदम जो लुक हम स्टाइलिंग करते हैं वो एकदम बेकार बेकार लुक आता है तो आप फाइन क्रिम्पिंग करोगे तो हमेशा आपकी स्टाइलिंग के अंदर न्यू फिनिशिंग आएगी 100% अपनी गारंटी के साथ प्लस आपके स्प्रे भी अच्छे होने चाहिए प्लस आपके पास सीरम जो कि आपका सबसे कम बजट वाला क्योंकि आप भी जानते हो कि क्लाइंट हमें इतना पे नहीं कर पाते तो आप यही सोचते हो कि हमारा कम बजट वाला कौन सा प्रोडक्ट है तो आप सीरम के साथ कैसे काम करोगे वो आज मैं आपको सिखाऊंगा प्लस मैंने जो टोंग यूज करी है वो 25 नंबर की है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका और कर्ल्स हमारे इतने बेहतर रुकते हैं होल्ड होते हैं आप गारंटी ले सकते हो अपने क्लाइंट के साथ कि आपके मॉर्निंग कर्ल्स रहेंगे ठीक है तो आप कर्ल्स करने के तरीके काफी सारे होते हैं मूज लगाकर भी कर्ल्स कर सकते हो अगर किसी के सिल्की हेयर होते हैं तो आप मूज लगा के ट्राई करना मूज लगा के कर्ल्स जब भी करोगे आप तो बहुत ही आपके कर्ल स्मूथ भी रहेंगे और सॉफ्ट रहेंगे प्लस मॉर्निंग तक होल्ड रहेंगे तो आप अब देखना मैंने अभी कर्ल्स किया है अब इनका वॉल्यूम कैसे मैं क्रिएट करता हूं वो आप लोग देखेंगे सो आप देख सकते हैं मेरा मॉडल ऑलमोस्ट मेरा जो कट था वो हो चुका है अब बात आती है स्टाइलिंग की ब्लास्ट ड्राई किया क्विकली ब्लास्ट ड्राई किया आप देख सकते हैं कि बालों के अंदर एक अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है मूवमेंट का मतलब होता है जो आप लेयर डिजाइन करते हो That is, I call it movement. बाल thick नजर आ रहे हैं at the same time they are looking quite laid. Volume नजर आएगा जितने heavy बाल होते हैं जितने सीधे बाल होते हैं उतना आप play कर सकते हो layer के साथ और जैसे मैंने बताया कि जब आप tools use करते हो tools का use क्या है styling करने के लिए ना why not for a haircut as well? आप every haircut में use a tong, use a dryer, different brushes, different rod, different iron. So उससे क्या होता है कि आपका आपका जो हाथ होता है वो बहुत फ्लंट होता है आपकी जो टेक्निक होती है बहुत इजी हो जाती है बिकॉज नॉर्मली सलोन में मैं देखता हूँ कि अक्सर
स्टाइलिंग को बहुत अलग रखते हैं, सिर्फ कट को और बुराई को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। मुझे लगता है कि टूल्स का यूज स्टाइलिंग के लिए एवरी कट के अंदर होना चाहिए, ड्रायर ब्रश के अलावा। सो अब मैं यूज कर रहा हूँ हीट प्रोटेक्टर स्प्रे। ठीक है, आप जब कलर वाले बालों में हीट लगाने जा रहे हो सो आप हीट प्रोटेक्टर स्प्रे करो और क्विकली आप देखना कि कितना फास्ट हम लोग करते हैं इसको। बड़े बड़े सेक्शन में डिवाइड किया, कलर का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए तभी आपका कलर अच्छा नजर आता है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल। टोंग देना पड़ा वाला। एंड जैसे मैंने बताया कि इट इज नॉट हम लोग कर रहे हैं कि टोंग का टोंग काइंड ऑफ स्टाइलिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर आवर लेयर जेंटल सॉफ्ट नॉट टू स्ट्रॉन्ग। मैं मानता हूं जब आप कट के लिए कर रहे हो जस्ट प्ले विद द नॉर्मल वे। सो अलग अलग, दिस इज अ वेरी गुड टोंग मशीन विद द टाइटेनियम प्लेट, बाल खींचते नहीं है, अच्छा ग्रिप आता है। स्पेशली जब आप कलर वाले बालों में कर रहे हो तो बाल अक्सर क्या होता है कि ग्रिप ले लेता है। सो इस प्लेट का फायदा क्या है, इस प्लेट का फायदा यह है कि अगर बाल गीले भी हैं सो ये होल्ड रखता है। That's why it is completely not coated with the platinum. It's a completely rod of platinum. ये hold करना. So, quick section. One more section. So, हमारे special offer चल रहा है हमारे Barina stall पे. Okay, yeah. राजीव भाई, आप बताएंगे कुछ offer के बारे में? आप देख सकते हैं कि spray है बालों के अंदर, heat protector spray. जो भी आप देख रहे हैं स्मोक आ रहा है, इट्स ऑल प्रोटेक्टेड। ओके, सो गाइस नाउ जो मैंने अपनी मॉडल की प्रेसिंग करी थी वो मैंने सिल्वर गोल्ड कोटेड वाली से करी थी, प्रेसिंग मशीन से, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। इसका एक हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है जिसमें आप सब में प्रेसिंग में टेम्परेचर सेट करते हैं, इसमें आपको टेम्परेचर सेट नहीं करना, इसमें बस आपको बालों की लेंथ और टेक्सचर सेट करना है। ये ऑटोमेटिकली बालों के हिसाब से अपने आप टेम्परेचर सेट करेगा एंड उसको अपने आप स्ट्रेट करेगा। सो आई हैव यूज्ड दिस प्रेसिंग मशीन फॉर माय लेंथ। एज यू कैन सी द शाइन तो हमारी सनस्क्रीन कोट हेयर सीरम। अच्छा सर, एंड कोई बता सकता है कि ये प्लेट और किसी में किसी ने देखिए कंप्लीट है। नहीं, माइक बंद हो गया। हाँ जी, ये प्लेट और ये टेक्निक अभी तक देखिए आपने, जो अपने आप टेम्परेचर सेट करो, बालों का टेक्सचर सेट करो। सो दिस इज द फर्स्ट वन वी हैव लॉन्च। आप टेक्सचर इसमें बालों का डालो, इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, टच है, क्या टेक्सचर है बालों का, क्या लेंथ है, आप डालोगे ये हीट उसी हिसाब से बालों में देगी, बालों में डैमेज नहीं करेगी। दिस इज द बेस्ट आई हैव टिल यूज इट। ऑल्सो अभी जो हमने क्रिम्पर यूज करा था, कोई नाम बताएगा उसका? आई हैव वन मोर गिफ्ट। इसका कोई नाम बताएगा? अभी सोनू ने सागर ने अभी बताया नाम। यस मैम। सर माइक्रो क्रिम्पर 0 नंबर। और किस कलर? ओके, रोज गोल्ड। ये लीजिए मैम। मैम का है, थैंक यू। रोज गोल्ड। सो नैनो क्रिम्पर रोज गोल्ड नैनो क्रिम्पर आपको भी मिलेगा मैम। वी हैव लॉट ऑफ गिफ्ट्स। बिल्कुल देंगे मैम आपको भी। दे रहा हूं। एक गिफ्ट मिलेगा सर। थैंक यू मैम रोज गोल्ड के लिए। पकड़ना सर। क्वेश्चन बताओ। सीरम ले लो सर। अरे वाह, इसमें तो महंगे वाला गिफ्ट है।
ये किसको मिलेगा? सो हमारा क्वेश्चन है, जो अभी नौशाद जी यूज कर रहे हैं, इस टोंग का कोई नाम बताएगा? मैंने दो बार बताया था, आई थिंक किसी को याद हो तो। महंगे वाला गिफ्ट है इसमें गाइस। हाँ जी, 25 नंबर। क्या नाम है टोंग का? ये लीजिए। नहीं पता तो फिर मिलेगा भी नहीं, महंगे वाला देख लो। हाँ जी, नाम क्या है टोंग का? नाम ओके ओके ओके। एनीवन एनीवन एनीवन? यस मैम, प्लैटिनम, प्लैटिनम कोटेड, टाइटेनियम या प्लैटिनियम? टाइटेनिक, टाइटेनियम। क्या टोंग का नाम क्या है मैम? बस यही बताना है टोंग का नाम क्या है, दैट्स इट। ओके, सो मेरा लुक फाइनल रेडी है। टोंग का नाम क्या है? अब इसको देखते हैं कि आप जब फाइनल कर लेते हो। हीट प्रोटेक्टर यूज किया मैंने, टोंग किया फटाफट क्विकली, नॉट लाइक अ कंप्लीट टोंग स्टाइल, बट अ वेरी सॉफ्ट जेंटल ले डिफाइन करने के लिए। और आप क्या करेंगे? आप बेरीना गोल्ड हेयर स्प्रे, अ लाइट होल्ड स्प्रे। हाँ जी सर, अ स्लाइटली स्प्रे इट, गोल्डन वाला बता दो, देखी जाएगी। स्लाइटली स्प्रे इट, टाइटेनियम प्लेट, टाइटेनियम कोटेड, ब्रश करेंगे और ब्रश देना, ब्रश टाइटेनियम कोटेड, साइज लाइट ब्रश 25 साइज, यस 25 साइज टोंग है ये, एंड हाँ ठीक है। एंड जो मैंने वेलक्रो फ्रंट वाले सेक्शन में लगाया था, आप देख सकते हैं कि उसको लगाने का फायदा क्या होता है कि जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, इसमें भी महंगे वाला है, एनी एफर्ट यू गेट गुड मूवमेंट, अ गुड नाइसली फ्लिक्स्ड। कैसा लगा आप लोगों को? टोंग का नाम बताएंगे? इजी, वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूट। जब तक आप अगर अपने, अपने कट को प्लान नहीं करोगे, वो तो प्लेटेड था, प्लैटिनम प्लेटेड है। ओके, सो कितने लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं यहाँ पे? 15। जो सबसे फास्ट बेरीना टूल्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा उसको अभी गिफ्ट मिलने वाला है। फॉलो फास्ट, फॉलो फास्ट, जस्ट सीधा 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 सीधा। किसका नाम आया? Please do follow and tag us on Instagram. Professional tools. Yes, at the rate Berina Professional and at the rate Berina Styling Tool. Duster Pro. Berina Professional and at the rate Berina Styling Tools. जो Instagram handles हैं, first one is Berina Professional and second one is Berina Styling Tool. करा आपने? Time हो गया। किस किसने फॉलो कर लिया? यस, एक और भी है बेरीना टूल्स, दोनों टूल्स, बेरीना स्टाइलिंग टूल्स। यस, किस किसने फॉलो कर लिए दोनों अकाउंट? आपको मिल गया सारे, यहीं से ले जाने दोनों अकाउंट। यस सर, दीजिए गिफ्ट। सर पहले चेक कर लीजिए कि दोनों अकाउंट्स फॉलो हैं कि नहीं। मैं चेक करके दे रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी फोटोज में और अ लवली मिलेगा। या प्लीज कम गाइस, सबने फॉलो कर लिया। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। हां मिलवा देना सर, ये लो एक देना अमित। एवरीवन प्लीज डू फॉलो एंड टैग अस ऑन इंस्टाग्राम @ Berina Professional and Berina Styling Tools. वहाँ पे चेक किया आपने, किसने फॉलो किया? क्या नाम था? किसने फॉलो किया? लास्ट नाम फिनिश। Berina Styling Tools. संकेत, अंकित, अंकित सानी, अंकित सानी, अंकित सानी कौन है? अमित भारद्वाज को फॉलो करने के लिए। अंकित सानी कौन है? ये लीजिए सर, हो गया सब लोगों का। Everyone, music, please settle music, down. Music, 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 music.
फिनिश हो गया डन डन बेलिना प्रोफेशनल एंड बेलिना स्टाइलिंग टू फाइनल अनाउंसमेंट प्लीज सेटल डाउन फाइनल अनाउंसमेंट जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओके गिव मी 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स या एक स्पेशल गिफ्ट रखेंगे मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा बेलिना प्रोफेशनल को जिन्होंने 30 सालों से एशिया के अंदर नरिश किया है यहाँ तक लेके आए और इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ आने वाले अजय जालान सर प्लीज सर कम ऑन द स्टेज बेलिना अ मैन बिहाइंड दिस ब्रांड जिनका एम है कि हर इंसान जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता वो इस ब्रांड को यूज करे वो कोई भी कलर जो हमारी इंडिया स्कीम पे सूट करता है वो आसान रहे आरएनडी करके सो सर प्लीज से समथिंग अबाउट योर यूनिक हार्डवर्क लास्ट 30 इयर्स पर प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर 30 इयर्स सेलिब्रेशन सो गुड मॉर्निंग दिल्ली गुड मॉर्निंग दिल्ली मैं दिल्ली से ही राजस्थान का और आपका दिल्ली का भाई बेलिना ब्रांड इसका भारत में प्रवेश कैसे हुआ ये 2 मिनट के अंदर बताऊंगा आपको जब हम छोटे थे तो देखते थे यहां पे वी ऑल आर डोमिनेटेड विथ ऑल इंटरनेशनल ब्रांड मोस्टली यूरोपियन ब्रांड्स यूरोपियन हेयर्स जितने भी होते हैं आप देखे होंगे वो सब ब्लॉन्ड टेक्सचर पे होते हैं ब्लॉन्ड के ऊपर में कलर चढ़ाना सेपरेट मैटर होता है और ब्लैक थिक हेयर के ऊपर में कलर करना डिफरेंट मैटर होता है बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने कलर्स को वापस इंडिया से उठाए हैं सक्सेस नहीं हुआ और फिर इंडिया में प्लांट लगा करके इंडियन टेक्नोलॉजी से शुरुआत किया चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो उसके पीछे का रीजन हमको जानना पड़ेगा इट्स नॉट ओनली ब्रांड ब्रांड कोई भी हो सकता है बट उसकी क्वालिटी क्या है वो कहाँ से आया है किस हेयर के लिए उसकी टेक्नोलॉजी क्या है हमको उसके ऊपर काम करना चाहिए बेलिना वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ब्रांड एंड एशिया का 1st बिगेस्ट ब्रांड जो कि इस प्लैनेट के ऊपर में जिस ढंग से काम कर रहा है और उस पे मैं आज गर्व से बोलूंगा जो हेयर स्पा आप लोग जो बात करते हैं हेयर स्पा इस धरती के ऊपर में इस प्लैनेट के ऊपर में लाने वाली पहली कंपनी बेलिना यस प्राउडली आई विल से इस प्लैनेट के ऊपर में लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बेलिना है और जब मैंने बेलिना लॉन्च किया था 2006 में कलकत्ता में तो मेरे ऊपर टमाटर फेंका गया था लिटरली कि हेयर का भी स्पा होता है क्या हेयर का भी स्पा होता है क्या आज विदाउट स्पा शायद कोई भी सलोन नहीं चल सकता है लोग बोलते थे बॉडी स्पा होता है हेयर का भी स्पा होता है क्या तो मैंने ये फेस किया था और उसके मजे आज आप सब ले रहे हैं और पूरी दुनिया ले रही है सो आरएनडी के मामले में बेलिना को टक्कर देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा सन लोशन हर कंपनी बनाती है आप बाहर घर से निकलते हो हर आदमी के पर्स में मिल जाएगा अभी सन का छोटा छोटा क्रीम लोशन कुछ ना कुछ फेस के लिए हेयर के लिए क्या सबसे पहले बाहर निकलते हो सिर के ऊपर हेयर सन लगता है उसके लिए किसके पास है टेक्नोलॉजी किसके पास है कोई ब्रांड बेलिना यस बेलिना मतलब क्या हुआ कि वी हैव टेक्नोलॉजी वी वर्क विथ टेक्नोलॉजी तो आप टेक्नोलॉजी के साथ जाइए एशियन हेयर है तो एशियन ब्रांड के साथ जाइए यूरोपियन आप नहीं है आप एशियन है तो एशियन ब्रांड के साथ में काम करिए सो दिस इज वॉट वी हैव कलर हिस्ट्री बहुत लंबा लग जाएगा नहीं तो समय टूल्स की जब बात करता हूं मैं तो टूल्स हमने 2008 में इंट्रोड्यूस किया था एंड फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांड इन इंडिया बाकी जितने भी ब्रांड है सब हमारे लोकल प्रोडक्ट आए हुए हैं ये पहला इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि लॉन्च किया था 2008 में एंड ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है इसकी जो भी प्रोडक्ट आपने देखा होगा जैसे ये मॉडल लोग के ऊपर में आपने देखा होगा जो सिल्वर प्रो लस्टर जो आप लोगों ने जो टोंग देखा टाइट आप देख लीजिए किसी के पास भी टाइटेनियम टाइप का जो किसके पास है ये कर वर्किंग स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आरएनडी होना पड़ता है आरएनडी के बाद प्रोडक्ट आते हैं हम लोग ये आरएनडी जो स्ट्रांग है मैंने मार्केट में सुना था कि एक वो आयरन जो अभी अमित ने बताया आपको कि स्मार्ट इंटेलिजेंट हमारा जो आयरन है लोग AI भी बोलते हैं कुछ बोलते हैं बहुत सारे नाम है टेक्नोलॉजी का कुछ भी नाम दे दीजिए लेकिन ये पहली बार हम लोग ने लॉन्च किया जो कि आपके बालों के लेंथ उसके वॉल्यूम उसके अंदर का मॉइस्चराइज आप उस पर सेट कर दीजिए ऑटो कार की तरह आजकल ऑटो कार का जमाना है ना गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल दो गाड़ी चलने दो है ना कहाँ पे एक नंबर गियर कहाँ दो नंबर गियर खुद लगाएगी सो बेलिना के पास जो टेक्नोलॉजी आप खुद देख लेते कि किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं एंड
उसके प्लेट्स के बारे में अमित ने पूछा और आप लोग बात को वहां पे दबा दिए क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया कि उसका आंसर क्या देना है। इट्स ए कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट आप लोगों ने कभी देखा कोई आयरन पे? क्या हुआ? आप इतने बड़े बड़े टेक्नीशियन, सलॉन ओनर, स्टाइलिस्ट लोग बैठे हैं, कॉपर प्लेट का मतलब क्या होता है, कॉपर प्लेट कहां से आती है और कॉपर प्लेट का बेनिफिट क्या होता है पता ही नहीं। हम तो बस लट्टा मार रहे हैं, हम तो यही यूज कर रहे थे, यही करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा यही करेंगे, तो बस ठीक है। फिर तो कोई भी, आप भी स्टाइलिस्ट नहीं होने चाहिए, कोई जमाने में कोई कोई स्टाइलिस्ट होते थे, नाम तो क्या लूं, तो बस वही होने चाहिए। आप लोग का सलून चलना ही नहीं चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि वही अच्छा था, एक ही आदमी अच्छा है, तो एक शहर में जो पुराना है उसी का नाम चलना चाहिए, नए लोग आने ही नहीं चाहिए। जब नए आते हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, कम से कम सुनिए, देखिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, जानने की कोशिश करिए कि कोई यदि नई कंपनी कुछ लेके आई है तो हम उसको पढ़ें, देखें, समझें। ये नहीं कि हम कुछ यूज कर रहे हैं तो वही करेंगे, वही करेंगे, हम तो देखेंगे भी नहीं। अरे लॉयल हो तो अपने काम से हो, ब्रांड के साथ तब होना जब उसके पास वही चीज हो कि दूसरे के पास नहीं है। लॉयल्टी के लिए जो है समझ होनी चाहिए, है ना। रट्टा मारना लॉयल्टी नहीं है, उसको अनपढ़ बोलते हैं कि हम दूसरे के बारे में जानना ही नहीं चाहते, अच्छे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हम लॉयल नहीं है, हम अनपढ़ हैं, हम एक ही तरफ ऐसे कान बंद करके चलना चाहते हैं। सो आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, कौन सा आयरन दे रहे हैं। कॉपर प्लेट मेरे को शर्म नहीं आती है बोलने में, सिर्फ अभी तक डाइसन कंपनी, जो आपने सुना होगा नाम, डाइसन कंपनी के पास कॉपर प्लेट है, इट कॉस्ट 40,000 रुपीज फॉर वन आयरन, और हमारे पास वही आयरन इट्स जस्ट 6,000 रुपीज। उसके बाद जो डिस्काउंट वगैरह कमर्शियल तो आपको काउंटर पे मिलेंगे, मैं ये चीज यहाँ अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट 6,000, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडियन भाई बहन के पॉकेट का ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं हो, वास्तव में जो कॉस्ट करता है उसी रेंज में आपको माल मिले, आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, अच्छे प्राइस में मिले। लोग बोलते बरीना सस्ता है, नो, बरीना सस्ता नहीं है, बरीना कॉम्पिटिटिव है, पॉकेट फ्रेंडली है, सस्ता नहीं है, बरीना से सस्ता है बाकी प्रोडक्ट, लेकिन वो लोग जो है बड़े बड़े मॉडल, बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े आर्टिस्ट को रख के उसके प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पॉकेट से ले रहे हैं। हम उस खर्चे को बचा के, हमारे पास अमित है, हमारे पास नौशाद है, हमारे पास सागर है, बाकी बच्चे लोग हैं, हम वो चाहते हैं कि जिसके पास आर्ट है वो आ गया है। तो हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम पॉकेट फ्रेंडली बन के काम करना चाहते हैं, आपके पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट हम सस्ते नहीं है, हम अच्छे क्वालिटी के साथ में वर्थ वैल्यू है। कभी भी प्रोडक्ट का वर्थ वैल्यू पे जाइएगा, सस्ते और महंगे का कैलकुलेशन नहीं करिएगा, प्रोडक्ट को रीड करके, रिसर्च करके करिए। कंपनी यदि अच्छी कोई चीज लॉन्च करिए तो उसके पीछे जाइए। कॉपर प्लेट लगाने से आपके बालों का जो शाइनिंग है, जो लाइफ है, बहुत अच्छा मेंटेन होगा, मॉइस्चराइज खत्म नहीं होगा, बात स्प्लिट नहीं होंगे बाल, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिर ये सेशन पे सेशन हो जाएगा हर चीज के लिए। थैंक यू, सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस शो। अब बाकी हैंड ओवर टू देम सर, प्लीज एक और हो जाए प्लीज, सारी मॉडल, यस यस प्लीज, उधर से आ जाइए, उधर से चलो, एक ग्रुप फोटो, एक बार हमारे आर्टिस्ट एंड मॉडल्स के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस, एक एक करके चल, जोरदार तालियां, आवाज में आई, थैंक यू सर, थैंक यू मॉडल। एंड एक और सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे स्टॉल पे 50% डिस्काउंट चल रहा है आज, स्टॉल नंबर 802 बेरीना प्रोफेशनल, जहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है हर प्रोडक्ट पे, तो एक बार स्टोर विजिट करिए एंड अपने मन पसंद के प्रोडक्ट्स लेके जाइए। थैंक यू एवरीवन। Go.
टेक्नीशियन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Please everyone do follow and tag us on Instagram @ Berina Professional and Berina Styling Tools. And please do visit our store. Thank you everyone.